आज के हमारे इस वीडियो में हम ये वाटर पंप किस तरह से मॉडल करते हैं ये जानेंगे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कोक टिन मॉडल किया था, उसे मॉडल करने के लिए हमने कुछ बेसिक टूल्स का इस्तेमाल किया था और उन टूल्स को हम और एडवांस लेवल पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको बेसिक टूल्स के बारे में जानना है तो आप पिछला कोक टिन का वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आप बेसिक टूल्स के साथ फैमिलियर है तो आप आज के वीडियो का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो वाटर पंप है इसका अगर शेप देखते हैं तो एक बेसिक सिलेंड्रिकल शेप है, एंड इसे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक और सिलेंडर से हमने बुलियन करके अटैच किया हुआ है। अब ब्लेंडिंग टू सिलेंडर्स ये एक्चुअली इजी प्रोसेस होता है, बट अगर इसमें जो डिविजन्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, या फिर अगर इसका एक सिलेंडर का शेप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और एक का शेप अगर छोटा होता है तो उन्हें ब्लेंड करने में तकलीफ होती है, और इसमें हमें तीन सिलेंडर्स को एक साथ ब्लेंड करना है, तो ये भी एक टफ जॉब है। पर हम देखेंगे कि इसे सिंपली हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा हेवी ज्योमेट्री इसमें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, हम इसे लो पॉली में करने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं कि किस तरह से हम इसे मॉडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल में आ रहा हूँ और यहाँ से न्यू सीन कर लेते हैं, इसे मैं डोंट सेव कर लूँ। अब सबसे पहले तो मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और फ्रंट पैनल में आ जाता हूँ। इसे मॉडल करने के लिए हमें एक रेफरेंस इमेज लगेगी, उसके लिए मैं यहाँ व्यू में आ रहा हूँ एंड इमेज प्लेन में आके यहाँ से इंपोर्ट इमेज कर लेता हूँ। अब ये इमेज मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है सोर्स इमेजेस में। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आप गूगल पे स्ट्रेट वाटर पंप्स लिखिए, तो जो सर्च गूगल सर्च आएगा उसमें सबसे पहले पहला रिजल्ट जो आएगा, पहले रो का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको ये इमेज मिल जाएगा। तो इसे ओपन कर लेते हैं, और ये इमेज यहाँ हमने ओपन कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा बैक साइड मूव कर लेता हूँ और फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इमेज पर्स्पेक्टिव में है, और बट हमें इसे मॉडल करने के लिए एक रेफरेंस लगेगा, और मैं बार बार दो विंडोज़ के बीच में स्विच नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे एज अ रेफरेंस यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसे मैं पहले तो सेंटर कर लेता हूँ। अगर आप देखते तो इसका सेंटर मिस है, ये जो लाइन है इसके बोल्ट का ये इसका सेंटर लाइन है। तो इसे सेंटर करने के लिए इसे सिलेक्ट करते हैं, मूव टूल में जाते हैं डब्ल्यू प्रेस करके एंड इसे प्रॉपरली सेंटर कर लेते हैं। अब मैं इसे लेयर में ऐड कर लेता हूँ। पहले तो मैं चैनल बॉक्स में आ रहा हूँ, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट एडिटर में चैनल बॉक्स में आने के लिए आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप इन्हें स्विच कर सकते हैं, चैनल बॉक्स देन यहाँ पे मॉडलिंग टूलकिट एंड एट्रीब्यूट एडिटर। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ फॉर चैनल बॉक्स, एंड इसे सिलेक्ट करके मैं इसमें अल्फा गेन ऐड कर लेता हूँ 0.5, और इसे लेयर में डाल देते हैं। तो इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा लेयर क्रिएट हो गया और ये ऑब्जेक्ट उसमें असाइन हो गए। अब इसे डबल क्लिक करते हैं एंड लेयर को रिनेम कर लेते हैं इमेज प्लेन 01 एंड सेव। इसे मैं रेफरेंस मोड में रखता हूँ ताकि ये काम करते वक्त सिलेक्ट ना हो। अब मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ और इसका जो शेप है उसे अब हम मॉडल करते हैं। अगर ध्यान से देखते हैं तो ये एक बेसिक सिलेंड्रिकल शेप है, और इसे हमने इसे यहाँ पे एक सेकेंडरी सिलेंडर से बुलियन किया हुआ है। एक्चुअली मल्टीपल सिलेंडर्स को ब्लेंड करना ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट अगर उस सिलेंडर का साइज और डिविजन्स अलग अलग हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ पर हमें तीन डिफरेंट सिलेंडर्स को बुलियन करना है। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ, उसके लिए मैं क्रिएट मेन्यू में आ रहा हूँ और यहाँ पे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड सिलेंडर, और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली इस साइज में। एंड अब मैं इसे वापस एक बार स्केल कर रहा हूँ वाई एक्सिस में, इसे मूव करते हैं डाउन एंड स्केल। तो हमने इसे एक अप्रोक्सीमेटली एक साइज में स्केल कर लिया है। मैं सबसे पहले तो इसको इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लूँगा एक्सरे ऑन करके। तो यहाँ पे पैनल टूल बार में एक्सरे का ऑप्शन होता है, या फिर हम शेडिंग में आके यहाँ से इसे एक्सरे कर सकते हैं।
तो मैंने इसका एक्सरे ऑन कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे एक और सिलेंडर चाहिए जिसे हमें बुलियन करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू में आके एक और सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ। इसे मूव करते हैं आउटसाइड, इसे रोटेट करते हैं बाय प्रेसिंग जे। तो ये 15 डिग्रीज के इंक्रीमेंट में रोटेट हो जाएगा, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे रोटेट एक्स में 90 डिग्रीज इजीली मिल जाएगा। तो इसे मैं स्केल कर रहा हूँ इनसाइड, और मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पैनल टूल बार में यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर हम शेडिंग में जाके कर सकते हैं, या फिर अल्ट F5। तो ये जो शेप है ये एक्चुअली बड़ा है, तो मैं इसे स्केल कर रहा हूँ। एंड अब इन डिविजन्स को हम देखते हैं। तो इसमें 20 डिविजन्स है और इसमें भी 20 डिविजन्स है। अगर देखते हैं तो हमें यहाँ से एक सेंटर लाइन मिल रहा है जो यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है, बट ये जो बाकी डिविजन्स है उन्हें अटैच करने के लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर हम इन्हें अटैच भी कर लेते हैं तो भी इसका जो शेप है हम उसे होल्ड नहीं कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो हमारा जो प्राइमरी सिलेंडर है उसके डिविजन्स को 16 कर लेता हूँ, और जो हमारा सेकेंडरी सिलेंडर है उसके डिविजन्स को भी मैं 16 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें इसके मेश फ्लो को एडजस्ट करना होगा। तो उसे मेश इनको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं डिविजन्स को यहाँ से कम कर लेता हूँ, अराउंड 8 डिविजन्स मैं इसमें रख रहा हूँ। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे सेंटर लाइन में हमारे पास एक लाइन है जो यहाँ से जा रही है, और इस लाइन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसे सिलेक्ट करने के बाद प्राइमरी शेप देन सेकेंडरी शेप, और हम मैश में आते हैं। मैश में आके बुलियन डिफरेंस, सॉरी बुलियन, एंड हमें यहाँ पे यूनियन करना है। तो इसे हमने बुलियन कर लिया। मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन से वर्टाइसेस कनेक्टेड है और कौन से नहीं। तो वापस 1 प्रेस करते हैं, और सबसे पहले तो टारगेट वेल्ड टूल से यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो टारगेट वेल्ड टूल के लिए इधर हम मेश टूल्स में आके यहाँ से टारगेट वेल्ड ले सकते हैं, या फिर और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा जो शेप है ये मिस हो रहा है। तो जब भी हम इस ऐसे शेप्स को कनेक्ट करते हैं, टी शेप पाइप्स वगैरह जो हम क्रिएट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली जो प्राइमरी सिलेंडर है उसकी मैश को सेकेंडरी सिलेंडर के साथ अटैच कर रहे हो। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्म नहीं हो रहा है और जो शेप है वो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी सिलेंडर से सेकेंडरी सिलेंडर के जो एजेस हैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ। देन मुझे ये जो सेंटर वर्टाइसेस है इन्हें मर्ज करना होगा, वो मर्ज नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, मर्ज वर्टाइसेस, एंड अब हमें इस लाइन को यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। तो शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ, एंड इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मुझे ये एग्जैक्टली इस लाइन को पैरेलल चाहिए, इस लाइन के साथ चाहिए, तो मुझे इसे इस पॉइंट पे स्नैप करना होगा। स्नैप करने के लिए पहले तो मैं मूव टूल एक्टिवेट कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ से वाई एक्सिस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कीबोर्ड पे अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ वी, तो हम एंड माउस मिडल माउस बटन से अगर यहाँ ड्रैग करता हूँ तो ये प्रॉपरली यहाँ पे इस लाइन इस एज के साथ स्नैप हो जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस एक्टिवेट नहीं करते एंड नॉर्मल मोड में रहते हैं तो जब आप स्नैप करोगे तो वो इस लाइन के साथ यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, बट हमें इसे पर्टिकुलरली यहाँ पे प्लेस करना है तो इसलिए हमने इसे वाई एक्सिस के साथ स्नैप किया। तो अब मुझे इसे कनेक्ट करना होगा, उसके लिए मैं शिफ्ट राइट कर रहा हूँ और मल्टी कट टूल ले रहा हूँ, और इन्हें यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा एनगॉन हमें मिल रहा है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, और मुझे यहाँ पे भी एक एज लूप रन करना होगा ताकि मैं इसे कॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकूँ, और यहाँ पे भी हमें एक एज लूप लगेगा। तो वापस हम इधर इंसर्ट एज लूप टूल ले सकते हैं, या फिर अगर हम मल्टी कट टूल में तो हम कंट्रोल प्रेस करके अगर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एज लूप मिलेगा। तो एक एज लूप मैं यहाँ ले रहा हूँ एंड एक एज लूप मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब इस एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, वाई एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, वी प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे और उसे इस पॉइंट पे स्नैप कर लेता है।
सेम इसके साथ भी सिलेक्ट वाई एक्सिस सिलेक्ट किया, देन वी प्रेस किया एंड इस पॉइंट पे मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड एक बार दोनों साइड्स में चेक कर लेते हैं। अब शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं एंड मल्टी कट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे प्रॉपरली कनेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड कनेक्ट, ओके। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, थ्री प्रेस करके इसे चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे होल्ड लगेगा। तो होल्ड के लिए मैं यहाँ इस एज लूप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसे बेवल कर लेते हैं। तो बेवल करने के लिए मैं एडिट मेश में आ रहा हूँ और यहाँ से बेवल कर लेता हूँ। तो इसके फ्रैक्शन को हम कम करते हैं एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एज लूप डाल देता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल से, ताकि यहाँ पे मैं इसे होल्ड कर सकूँ। एंड फेसेस में आ रहा हूँ एंड फेसेस में आके ये जो टॉप एंड बॉटम फेसेस है इनका हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब थ्री प्रेस करते हैं और हमारा शेप एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसका प्राइमरी शेप बनाया, बट ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसे मैं वर्टाइसेस सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ पीछे। ओके, तो हमने इसका फर्स्ट शेप क्रिएट कर लिया। अब मैं इसे ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ और सबसे पहले तो इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव। अब हम इस सेकेंडरी शेप पे काम करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और सिलेंडर लगेगा और ये साइज इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो हम सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं पहले, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड सिलेंडर, और इस सिलेंडर को मैं मूव कर लेता हूँ आउटसाइड और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्रीज जेड एक्सिस में। मैं यहाँ पे जे प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, जे प्रेस एंड होल्ड करके रखा है एंड देन मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ ताकि ये 15 डिग्रीज के इंटरवल में स्नैप हो जाए। तो इसे मैंने रोटेट कर लिया और मैं इसे मूव कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग Alt F5 एंड इसे मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर। इसे मैं स्केल कर रहा हूँ अगेन और इसे इनसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसके डिविजन्स को एडजस्ट करना होगा, तो मैं यहाँ इसे सिलेक्ट करके इसके डिविजन्स को भी 8 कर लेता हूँ एंड इसे मैं थोड़ा स्केल कर रहा हूँ अराउंड 0.85 एंड इन दोनों को हम बुलियन कर लेते हैं। तो मैं पहले प्राइमरी शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन सेकेंडरी शेप, देन मैश, बुलियन एंड यूनियन। तो यहाँ पे हमने इसे बुलियन कर लिया और मुझे इसके जो एजेस है उन्हें कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं टारगेट वेल टूल में आ रहा हूँ, मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड टारगेट वेल टूल ले रहा हूँ और ये जो एजेस है इन्हें मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड एक बार थ्री प्रेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कनेक्टेड है प्रॉपरली या नहीं। तो ये जो वर्टाइसेस है ये मर्ज नहीं हुए हैं, तो इन्हें हम पहले मर्ज कर लेते हैं एंड अब हमें यहाँ पे एज लूप लगेगा। तो मैं यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल में आ रहा हूँ और यहाँ पे एक एज लूप मैंने रन कर लिया है। यहाँ पे वाई एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, देन मैं इसे इस पॉइंट पे स्नैप कर लेता हूँ। मुझे एक और एज लूप चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ और एक एज लूप यहाँ पे रन कर रहा हूँ और एक एज लूप यहाँ पर रन कर रहा हूँ एंड वापस मैं इन्हें प्रॉपरली इनकी पोजिशन पर स्नैप कर लेता हूँ। अब मल्टी कट टूल लेके मैं इन्हें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट, यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है
एंड एंटर। अब इस साइड पे भी हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड इसे हम अब बेवेल कर लेते हैं ताकि ये इस शेप को होल्ड कर सके। तो मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कंट्रोल बी अगर हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो हमें बेवेल का बेवेल मिलेगा, या फिर हम एडिट मेश में जाके यहाँ से बेवेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन को कम कर रहा हूँ अराउंड 0.1 एंड यहाँ पे मैं 2 सेगमेंट्स रख रहा हूँ एंड ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड 3 प्रेस करते हैं तो ये शेप अब हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे मैं इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। तो मैं इसे वापस इसके पोजीशन में प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पर्सपेक्टिव में आते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इस शेप को मॉडल कर लेता हूँ तक, क्योंकि इससे कंप्लीट करने के बाद मैं इसका हाफ डिलीट करके यहाँ पे इसे प्लेस कर लूँगा, मिरर कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक गैप है और उसके बाद यहाँ पे एक और शेप है। तो आइदर हम इसी शेप से एक्सट्रूड करके इसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम सेकेंडरी शेप भी ले सकते हैं। सेकेंडरी शेप अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक और बेनिफिट ऐसा होगा, हम यहाँ पे 8 डिविजन्स में हमने इस सिलेंडर को क्रिएट किया है। ये जो सिलेंडर है इसे क्रिएट करने के लिए इस शेप को हमें 16 डिविजन्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते तो हर एक फेस के बाद एक फेस को इनसाइड एक्सट्रूड किया हुआ है। तो इसके लिए हमें 8 डिविजन्स में हम ये क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मिनिमम 16 डिविजन्स लगेंगे ताकि हम अल्टरनेटिव जो होता है फेस उसे सिलेक्ट करें एंड उन्हें प्रॉपरली इनसाइड एक्सट्रूड कर सके। तो मैं ये शेप यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बेसिकली मॉडल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ ये। अब अगर हम कॉर्ड्स में हैं तो मैं एक फेस सिलेक्ट करके दूसरे फेस पे शिफ्ट डबल क्लिक करता हूँ तो हमें कंप्लीट फेस रिंग मिल जाएगा। बट जब हम ट्राइंगल्स में होते हैं तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम टैब प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर एंड लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके जब हम ड्रैग करते हैं तो हम उन पर्टिकुलर फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं इसे एक्सट्रूड कर सकूँ, या फिर हम यहाँ पे एडिट मेश में आके भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्सट्रूड करके इसका ऑफसेट में इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देन मैं इसे अगेन एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा सा थिकनेस दे रहा हूँ। अब अगेन इसे एक्सट्रूड करते हैं एंड इसे ऑफसेट देते हैं। अब ये जो शेप है ये इस फर्स्ट शेप से थोड़ा सा बड़ा है और उसके बाद ये वापस एक्सट्रूड करके इसे इनसाइड एक्सट्रूड किया हुआ है। तो मुझे इसे थोड़ा बड़ा एक्सट्रूड करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ साइड व्यू में आ जाता हूँ, फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ एंड इसे मैं थोड़ा सा बड़ा एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देन मैं अगेन इसे एक्सट्रूड करता हूँ आउटसाइड, वापस मुझे यहाँ पे एक एक्सट्रूजन चाहिए जिसे मैं ऑफसेट करूँगा एंड देन अगेन एक्सट्रूड आउट। और अब मुझे वापस एक एक्सट्रूजन चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक एक्सट्रूजन है, उसके बाद एक और एक्सट्रूजन है। तो मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ कुछ इतना एंड देन अगेन एक बार मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ एंड एक्सट्रूड इट आउट। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं एंड इस शेप को होल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ एज लूप्स दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ ओके। यहाँ पे मैंने इसे सिर्फ ऑफसेट दिया है बट मुझे इसे बाहर भी एक्चुअली एक्सट्रूड करना था तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स। ओके एंड इसे एक्सट्रूड करते हैं, देन इसे एक बार एक्सट्रूड करके मूव करते हैं आउट
और वापस मैं इसे एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ एंड इसे बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर लेता है। ओके, अब ये शेप प्रॉपर है। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, एजेस सिलेक्ट करते हैं एंड इन्हें हम बेवल कर लेते हैं। और ये लास्ट एज, तो हमने इन एज लूप्स को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ एडिट मेश में आ रहा हूँ और इन्हें बेवल कर रहा हूँ। इन्हें बेवल करने के बाद मैं इसका फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड इसमें एक डिवीजन ऐड कर लेते हैं, सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड एंड 3। तो अब कुछ ये शेप हमने ऐसा मॉडल कर लिया है। अब मुझे इसे मिरर करना है राइट साइड पे, तो मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आके मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ और फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो हाफ फेसेस है इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है या फिर डुप्लीकेट करना है एग्जैक्टली राइट साइड में, तो मुझे इसका पीवोट जो है उसे प्रॉपर इस पोजिशन में रखना होगा सेंटर में। तो इसके पीवोट के पोजिशन चेंज करने के लिए मैं आइदर कीबोर्ड पर इंसर्ट प्रेस करता हूँ या फिर डी अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे टेम्पररी पिवोट मोड मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने डी प्रेस किया है फॉर पिवोट और मैं वी प्रेस कर रहा हूँ फॉर स्नैप टू द पॉइंट और मैं इसे यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ। अब ये पिवोट का जो पोजीशन है हमने यहाँ पे सेंटर में मूव कर लिया है। अब मुझे इसे डुप्लीकेट स्पेशल करना है, तो मैं यहाँ एडिट में आ रहा हूँ एंड एडिट में आके यहाँ से मैं डुप्लीकेट स्पेशल ले रहा हूँ जिसका शॉर्टकट है कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट टी। तो यहाँ से मैंने डुप्लीकेट स्पेशल ले लिया और मैं इसे रिसेट कर लेता हूँ। मुझे इसे कॉपी करना है, इंस्टेंस नहीं करना है। इंस्टेंस अगर हम करते हैं तो हम जो चेंजेस राइट साइड में करेंगे वही लेफ्ट साइड में होंगे, तो मुझे इंस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करते हैं और इसे हम स्केल कर लेते हैं एक्स एक्सिस में -1। तो इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड -1 और इसे डुप्लीकेट स्पेशल कर लेते हैं। तो ये अब हमें इस साइड में मिल गया। अब मुझे इन दोनों ज्योमेट्री को कंबाइन करना है, दोनों शेप्स सेपरेट है। तो इन दोनों शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे, मेश में आएंगे और इसे कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद इसके वर्टाइसेस भी हमें कनेक्ट करने होंगे क्योंकि ये शेप तो हमने कनेक्ट कर लिया है बट इसे एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट हमें रखना होगा। तो मैं यहाँ पे वर्टाइसेस में आ रहा हूँ और ये जो सेंटर के वर्टाइसेस है इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं एंड शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं मर्ज वर्टाइसेस में आके वर्टाइसेस को मर्ज कर रहा हूँ। ध्यान से करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड बढ़ाते हैं या फिर कुछ तो वो जो सेंटर के वर्टाइसेस है वो भी मर्ज होने का एक डर रहता है। तो हमें इसे प्रॉपरली प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे रखना होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड एक बार 3 प्रेस करता हूँ तो ये अब कनेक्ट हो चुका है। मैं वापस एक बार फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव सीन एज, एंड जब भी हमने इसे 01 करके सेव किया था मैं इसे अब 02 करके सेव कर रहा हूँ। अब हम इस फ्रंट पार्ट पे काम कर लेते हैं। मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं इस एज को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इसे कंप्लीट मॉडल कर लेंगे तो यहाँ पे इस कॉर्नर को हम बेवेल करेंगे तो ये एज वैसे भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आइदर मैं कंट्रोल डिलीट प्रेस कर सकता हूँ कीबोर्ड पे या फिर हम शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट एज करते हैं या फिर अगर एडिट मेश में आते हैं तो यहाँ पे एज कंपोनेंट में डिलीट एज और एंड वर्टाइसेस का ऑप्शन है। अगर आप गलती से सिर्फ डिलीट प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्टाइसेस वैसे ही रहेंगे, तो ये आपके शेप में फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और बिगिनर लेवल पे ये गलतियाँ होती ही। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक एज डिलीट कर रहे हैं तो आइदर कंट्रोल डिलीट कीजिए या फिर यहाँ एडिट मेश में आके यहाँ से इसे डिलीट कीजिए। तो इस एज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब इस फेस इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और टैब प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ एंड इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऑफसेट इनसाइड, देन अगेन एक बार मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ एंड मूव कर रहा हूँ आउटसाइड। अब एक्सट्रूड अगेन, अब इसे ऑफसेट करना है
और मुझे इससे थोड़ा सा इसे बड़ा रखना है, तो मैं यहाँ साइड व्यू में आ जाता हूँ और मैं इसे इससे थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ, एंड देन अगेन एक्सट्रूड, और जैसे ही मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ वैसे मैं मैनिपुलेशन पे आइदर मूव टूल यूज कर रहा हूँ मैनिपुलेशन हैंडल्स में, या फिर मैं स्केल टूल करके उसे ऑफसेट कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इन मेन्यूज को ही यूज़ करें, अगर हम इसे फास्ट करना चाहते हैं तो हम मैनिपुलेशन हैंडल्स से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन हैंडल यूज़ करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रूड करके यहाँ तक रख लिया। अब सबसे लास्ट जो शेप है वो ये है, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, स्केल टूल ले रहा हूँ, इसे स्केल करते हैं इनसाइड, एंड देन अगेन मैं इसे एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ आउटसाइड, देन शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड एंड ऑफसेट, देन अगेन एक्सट्रूड एंड मूव आउट। तो अब इस शेप को मैं होल्ड कर लेता हूँ, उसके लिए मैं इसके सारे जो एजेस है कॉर्नर एजेस उन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे इनसाइड और ये लास्ट। तो अब कंट्रोल बी अगर मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे तो हमें यहाँ बेवल मिलेगा, एंड यहाँ मैं एक सेगमेंट इसमें ऐड कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड, एंड थ्री प्रेस करके हम इस शेप को चेक कर लेते हैं। तो ये शेप हमारा कुछ ऐसा बन गया है। तो मैं यहाँ फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, एंड फ्रंट व्यू में आके मैं अब इस टॉप पार्ट पे काम कर लेता हूँ। तो मैं वन प्रेस कर रहा हूँ, एंड वर्टाइसेस में आके यहाँ से मैं इसे ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ, एंड इस कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूँ, ओके। और अब एजेस में आ रहा हूँ, और एजेस में आके इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसे एक्सट्रूड करते हैं। इसे एक्सट्रूड करके मैं स्केल कर रहा हूँ आउटसाइड ताकि मुझे ऑफसेट मिले, एंड इसे मैं एक बार फिर से एक्सट्रूड एज कर रहा हूँ एंड ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ, कुछ इतना। बट ये शेप छोटा हो गया तो मैं इसे ओके, देन एक्सट्रूड एज मूव, देन यहाँ पे अगर हम आते हैं टॉप व्यू में तो ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर तक मुझे वापस एक बार इस एज को एक्सट्रूड करना है, तो मैं आर प्रेस कर रहा हूँ एक्सट्रूड करके, एंड इसे मैं यहाँ तक एक्सट्रूड कर देता हूँ, ओके। अब इसे मुझे ऊपर मूव करना है, एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ पे वापस एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ, मूव टूल में आ रहा हूँ एंड यहाँ तक इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसे मैं स्केल कर रहा हूँ इनसाइड, देन एक और एक्सट्रूजन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ तक। अब इस एज लूप को मुझे थोड़ा सा और एक्सट्रूड करना होगा, एंड इस एज लूप को भी, देन मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ आउटसाइड, देन अगेन एक्सट्रूड इट अप, अगेन एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं ऑफसेट में इसे, एंड देन एक्सट्रूड अप। अब यहाँ आके मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ अगेन, और ये जो एज लूप सिलेक्टेड है इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ मेश में आ रहा हूँ और फिल होल कर देता हूँ, तो ये जो होल है ये फिल हो जाएगा। अब इन एजेस को मुझे कंटिन्यू करना होगा तो मैं मल्टी कट टूल ले रहा हूँ एंड इन्हें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं एक पॉइंट छोड़ के इसे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे कॉर्ड्स मिले, यहाँ पे इसे छोड़ रहा हूँ और इसे छोड़ रहा हूँ एंड इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, देन इसे छोड़ रहा हूँ एंड इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे भी इसे छोड़ के इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कॉर्ड्स में इन्हें कनेक्ट कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड W प्रेस करते हैं एंड 3 प्रेस करते हैं,
ये हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, बट ये जो शेप है इस पे हमें काम करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एजेस डिविजन ऐड कर लेता हूँ। मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। तो इसे स्प्लिट करने के बाद मैं यहाँ ऑप्शन में आ रहा हूँ, चैनल बॉक्स में हिस्ट्री, एंड इसे रिलेटिव से मैं मल्टी कर रहा हूँ, एंड मल्टी करने के बाद मैं यहाँ पे चार डिविजन्स कर लेता हूँ। तो फोर डिविजन्स मैंने कर लिया है। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे मैं प्रॉपर जो शेप है उसमें रख लेता हूँ। ओके, एक डिवीजन मुझे यहाँ चाहिए, तो मैंने शिफ्ट राइट लिया, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। अब इस शेप को मुझे होल्ड करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड एजेस सिलेक्ट करते हैं, इसे मुझे, मैं इस ऊपर की एज को डी सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके, क्योंकि वहाँ पे आर्क है और यहाँ पे भी आर्क है, तो मैं इस एज को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और इन एजेस को मैं बेवेल कर रहा हूँ कंट्रोल बी से, और इसमें मैं एक एक डिविजन, एक सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ। अब मैं थ्री प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो आर्क है बट मुझे एक तरफ से इसे होल्ड करना होगा, तो मैं इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ और यहाँ से इसे होल्ड कर रहा हूँ और ऊपर से इसे स्मूथ रखता है। तो अगर मैं अब इसे थ्री प्रेस करता हूँ तो ये प्रॉपरली होल्ड हो गया, एंड देन यहाँ पे भी सेम मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे बेवेल कर रहा हूँ कंट्रोल बी प्रेस करके, इसके फ्रैक्शन को मैं कम कर रहा हूँ अराउंड 0.3, एंड इसमें दो डिविजन्स डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे भी इसने इसे होल्ड कर लिया। मैं यहाँ फ्रंट व्यू में आके अगर देखता हूँ तो ये हमारा शेप है जिसे हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस एज को मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ आउटसाइड, इनसाइड सॉरी, ओके, एंड इन्हें भी थोड़ा थोड़ा शेप में स्केल कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मोड, एंड अब यहाँ बॉटम में भी हमें इसे होल्ड करना होगा, बट ये शेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसके फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके फेसेस को सिलेक्ट करके मैं इन्हें एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एक्सट्रूड करके मैं इसमें ऑफसेट दे रहा हूँ, एंड ऑफसेट देने के बाद मैं इसे वापस एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ आउटसाइड, देन अगेन इसे एक्सट्रूड करते हैं ऑफसेट में, अगेन एक्सट्रूड, और इसमें थिकनेस देते हैं 0.5 ताकि वो राउंड शेप मिले। तो अब इसे भी हमें होल्ड करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आर्क है, तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम ऊपर के भी मैं, यहाँ पे आर्क है तो इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ एंड कंट्रोल बी, और यहाँ पे एक सेगमेंट एक, एंड अगर मैं यहाँ थ्री प्रेस करता हूँ तो कुछ ये ऐसा मिल रहा है। हमें इसे भी होल्ड करना है, तो मैं एज में आ रहा हूँ एंड इसे बेवल कर लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन को कम करते हैं, एक सेगमेंट ऐड करते हैं। तो अब प्रेस करता हूँ थ्री, तो ये हमारा शेप है। ओके, वन प्रेस करते हैं एंड अब मैं थ्री प्रेस
ओके ये हमने इसका जो शेप है उसे मॉडल कर लिया, बट ये जो पार्ट है इसे अगर हमें मॉडल करना है तो मुझे हर एक इसमें एक फेस छोड़ के वो फेसेस सिलेक्ट करने होंगे और उन्हें एक्सट्रूड करना होगा इनसाइड। तो ये शेप यहाँ से है अप्रोक्सीमेटली, तो मैं एज अगर इस एज को अगर मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे और इस एज को अगर मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे स्केल कर लेता हूँ इनसाइड, तो अब इन फेसेस को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस यहाँ से लेकर इतने फेसेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट फेस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ देन इस लास्ट फेस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो उतने फेसेस सिलेक्ट कर रहा है। ओके फर्स्ट एंड डबल क्लिक ऑन लास्ट, हमने ये फेसेस सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे इन्हें एक्सट्रूड करना है तो मैं एक्सट्रूड फेसेस में आ रहा हूँ एंड इन्हें हम ऑफसेट कर लेते हैं। एंड इसे ऑफसेट करने के बाद मैं इसे मूव कर लेता हूँ इनसाइड। ओके अब इस शेप को मुझे थोड़ा सा होल्ड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एक एज लूप दे देता हूँ। तो मैं इंसर्ट एज लूप टूल में आ रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल और एक एज लूप में यहाँ बीच में दे देता हूँ ताकि ये इसे थोड़ा सा होल्ड कर ले। ओके तो यहाँ पे हमने एज लूप्स ऐड कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड थ्री प्रेस कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे हमने इस शेप को मॉडल कर लिया। मैं वायर फ्रेम ऑन शेडर ऑफ कर रहा हूँ ताकि ये शेप दिख सके, तो कुछ ये ऐसा शेप हमारा रेडी है। अब मैं इसे वापस एक बार सेव कर लेता हूँ, सेव सीन एज एंड 03। अब हम इसका जो बॉटम पार्ट है उस पर काम करते हैं। तो मैं यहाँ फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ और फ्रंट व्यू में आके सबसे पहले मैं इस पार्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ, पहले तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ एंड वन प्रेस करते हैं एंड इंसर्ट एज लूप टूल। इंसर्ट एज लूप टूल लेके मैं यहाँ से एक एज लूप रन कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एज यहाँ से स्ट्रेट नहीं है, तो अगर इस किसी भी एज लूप को आपको स्ट्रेट करना है तो आप स्केल टूल में आ जाइए और स्केल टूल में आके इसे एक एक्सिस में अगर मैं स्केल करता हूँ यहाँ नीचे ड्रॉप करता हूँ तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये एज लूप मैंने यहाँ स्ट्रेट कर लिया है। अब मैं एक और एज लूप ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर एंड इन्हें हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, इस शेप को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। मैं ये फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, फेसेस सिलेक्ट करके मैं इसे एक्सट्रूड फेस कर रहा हूँ और एक्सट्रूड फेस करके मैं इसे थोड़ा सा ऑफसेट दे रहा हूँ। अब एज में आके मैं ये जो फर्स्ट एज है इसे थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो गया है, तो इन्हें मैंने स्केल करके प्रॉपर साइज कर लिया है। अब इस फेस को मैं वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे एक्सट्रूड करते हैं आउटसाइड, तो इसे मैं थिकनेस दे रहा हूँ एंड इसके बाद वापस एक बार इसे एक्सट्रूड करते हैं ऑफसेट में। अगेन एक्सट्रूड आउट एंड एक्सट्रूड ऑफसेट एंड थिकनेस, तो ये जो आर्क है ये यहाँ पे आर्क क्रिएट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और इसे होल्ड कर लेते हैं, तो
इसे होल्ड करने के लिए मैं इस एज लूप को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन्हें हम बेवल कर देते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी और इसमें एक सेगमेंट ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और इस शेप को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो शेप है ये यहाँ पे रेडी है। अब मुझे यहाँ पे इस पार्ट को मॉडल करना है, ये भी सेम ऐसा ही है। तो मैं यहाँ वन प्रेस कर रहा हूँ एंड वन प्रेस करके इन एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन्हें सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ एजेस को एंड इन्हें एक्सट्रूड मैं यहाँ से मैं एक तो पहले तो एक्सट्रा ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये कितना एक्सट्रूड करना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं इतना एक्सट्रूड कर रहा हूँ एंड अब इन्हें मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ डाउन, फ्रंट व्यू में आ जाता है एंड इससे कुछ इतना एक्सट्रूड करते हैं। वापस एक बार मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ इनसाइड देन एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट मोड एंड अब इस शेप को वापस मॉडल करना होगा। तो मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन फेसेस को सिलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करके मैं इसमें ऑफसेट ऐड कर रहा हूँ एंड कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो ये जो शेप है ये शेप ऊपर के शेप से थोड़ा सा छोटा है। और तो उसके लिए मैं वापस एक बार फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ और इन एजेस को वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन वर्टाइसेस को मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ। ओके, अब इन फेसेस को सिलेक्ट करके हम एक्सट्रूड करते हैं आउट देन अगेन एक्सट्रूड इन ऑफसेट देन अगेन एक्सट्रूड इन थिकनेस देन अगेन मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऑफसेट में एंड इसमें थोड़ा सा थिकनेस ऐड कर देते ताकि वो जो राउंड शेप है वो हमें मिले। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन्हें सिलेक्ट करके हम बेवल कर देते हैं। ओके, कंट्रोल बी टू बेवल एंड एक एक डिवीजन एक सेगमेंट में इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड थ्री प्रेस करते हैं और इस शेप को चेक करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ मुझे एक और एक्सट्रूजन चाहिए तो मैं यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ और दो एजेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब फेसेस में आते हैं एंड इस फेस को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। एंड इसे बेवल कर लेते हैं ताकि ये शेप होल्ड हो सके। एंड कंट्रोल बी टू बेवल और इसमें एक सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। ओके, अब अगर मैं थ्री प्रेस करता हूँ तो ये जो बेसिक शेप है ये हमारा रेडी हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक बोल्ट लगाना है तो
तो उसके लिए मैं एक सेकेंडरी शेप क्रिएट कर रहा हूँ, बट उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ डिविजन्स ऐड कर लेता हूँ पहले, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, मैं अल्ट फाइव प्रेस कर रहा हूँ ताकि वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन हो जाए। तो जहाँ पे हमारे डिविजन्स प्रॉपर नहीं है वहाँ पे जो एजेस है वो स्ट्रेच हो रही है, और जब हम इसे टेक्सचर करने के लिए लेंगे तो ये एजेस स्ट्रेच रहेगी तो इसका टेक्सचर भी स्ट्रेच होगा। तो मैं सबसे पहले तो इसे एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। तो मैंने यहाँ पे जब एज ऐड किया तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो एज है ये प्रॉपर शेप में आ गया है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर है, बट ये जो है कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ से इसे कंपेयर करते तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, और ये जो एज है जो यहाँ दिख रहा है ये एक्चुअली यहाँ का एज है जो स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ रहा है, और ये जो एज यहाँ दिख रहा है ये कॉर्नर का एज है जो यहाँ पर है। तो इसे होल्ड करने के लिए मुझे और दो एजेस यहाँ पे चाहिए, तो मैं कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट, और इसे मैं यहाँ पे मल्टी करके दो डिविजन्स ऐड कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड देन प्रेस थ्री। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो शेप है ये प्रॉपरली होल्ड हो गया है। सेम मैं एक एज यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके एक एज मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके इन दोनों को इसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे भी स्प्लिट कर लेते हैं। सेम मैं यहाँ पर इसे स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो टेक्सचर है वो स्ट्रेच ना हो एंड हमें इसमें कोई वॉल्यूम लॉस भी ना मिले। तो यहाँ पे मैंने डिविजन्स ऐड कर लिए। अब लास्ट इसमें बचा हुआ है ये बोल्ट्स। तो बोल्ट्स के लिए मैं सेकेंडरी सिलेंडर लूँगा और उसे यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो मैंने यहाँ से सिलेंडर क्रिएट कर लिया, इसे मैं मूव करता हूँ अप एंड इसे स्केल कर लेते हैं। इसके जो डिविजन्स है उसे मैं 6 डिविजन्स ले रहा हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अब मुझे इसे बेवल करना है तो इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और कंट्रोल बी कर रहा हूँ ताकि ये बेवल हो जाए, और इसमें मैं एक सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ एंड इसके फ्रैक्शन को 0.3 कर रहा हूँ ताकि ये जो कॉर्नर्स है ये हमें मिल सके। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ और इसे मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ। तो ये जो शेप है ये हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब सेम यहाँ पे भी बोल्ट्स है तो मैं इन बोल्ट्स के लिए इसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, टॉप व्यू में आ जाते हैं एंड टॉप व्यू में आके मैं वायर फ्रेम ऑन शेडेड ले लेता हूँ अल्ट 5 एंड इसे डुप्लीकेट किया है मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके। तो इसे मैं यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, तो ये एग्जैक्टली वहाँ पे सेंटर में हमें मिलेगा एंड इसे मुझे स्केल करना होगा। तो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ एंड वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ एंड इन वर्टाइसेस को बॉटम, ताकि मुझे 5 प्रेस करते फॉर शेडेड व्यू एंड इसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेस करता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आके, इसको आर प्रेस करते हैं एंड स्केल करते हैं, ओके। अब ये शेप हमारा यहाँ पे बोल्ट का क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इस बोल्ट के शेप को यहाँ डुप्लीकेट करना है, तो इसे डुप्लीकेट करने के लिए मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ, इसका जो पिवोट पोजीशन है उस पिवोट पोजीशन को मैं ग्रिड के सेंटर में रख रहा हूँ और फिर मैं उसे इस पिवोट से इस पर डुप्लीकेट कर लूँगा। तो मैं पिवोट के लिए प्रेस कर रहा हूँ डी एंड स्नैप टू ग्रिड करना है मुझे सेंटर में, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ एक्स फॉर स्नैप टू ग्रिड, डी एंड एक्स, और मैं यहाँ ग्रिड का जो सेंटर है वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरा जो पिवोट पोजीशन है वो वहाँ प्लेस हो जाएगा। अब ये जो पिवोट पोजीशन है ये हमने सेट कर लिया है, अब मुझे इसे डुप्लीकेट करना है। तो इसे डुप्लीकेट करने के लिए मैं
शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। अगर हम एडिट मेश में आते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है शिफ्ट डी। ये ऑप्शन यूज़ करने का एक करने के लिए आपको इसको पहले तो शिफ्ट डी करना है, देन मेक श्योर कि आप इसे डी सिलेक्ट नहीं करते और आप इसे रोटेट कर लो। तो मैं जे प्रेस करके इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसे 45 डिग्रीज में रोटेट कर लिया है। अगेन मैं इसे शिफ्ट डी करता हूँ तो अब ये उसी डिस्टेंस के साथ यहाँ डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हमने इन्हें प्रॉपर पोजिशन में प्लेस कर लिया है, तो हमारे ये बोल्ट्स यहाँ पर रेडी हो गए। मैं इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इन्हें मैं कंबाइन कर लेता हूँ टेम्पररी। एंड इसका जो पिवोट है इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ मॉडिफाई में आ रहा हूँ और यहाँ से सेंटर पिवोट कर लेता हूँ। अब मुझे इसे डुप्लीकेट करना है यहाँ के लिए, तो मैं इसे कंट्रोल डी कर रहा हूँ। एंड ये अब सिंगल शेप है, इस वजह से हमें मूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और हमने इसे यहाँ पर प्लेस कर लिया। बट मुझे इसे थोड़ा सा स्केल करना है। ओके, एंड हाइट में भी मुझे इसे थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं वर्टाइसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और वर्टाइसेस सिलेक्ट करके इन्हें मैं यहाँ ओके अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। एंड मुझे कुछ बोल्ट्स यहाँ पे भी लगाने हैं, तो उसके लिए मैं सेम बोल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ उसे मूव करते हैं, साइड व्यू में आ रहा हूँ मैं। एंड यहाँ से इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्रीज इन एक्स एक्सिस। एंड मुझे उसे स्नैप करना है इस पॉइंट पे, तो मैं वी प्रेस कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ। तो ये हमने एक बोल्ट प्रेस कर ये कर लिया, प्लेस कर लिया। मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल डी, वी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे स्नैप करते हैं। और इसके रोटेशन को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ एंड इसे मैं जेड एक्सिस पे 90 डिग्रीज में रोटेट कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है यहाँ पे, तो मैं इसे स्केल कर रहा हूँ। ओके, एंड देन मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और एक्स एक्सिस में मैं इसे नेगेटिव वैल्यू प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मॉडल सिमेट्रिकल है तो ये एग्जैक्टली इसके नेगेटिव में यहाँ आके प्लेस हो जाएगा। तो ये हमने इसे प्लेस कर दिया। तो ये जो वाटर पंप का मॉडल है इसे मैं कंप्लीट मॉडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे ग्रुप कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल जी। एंड इसे नेम करते GRP_ALL01। एंड इस मॉडल को मैं यहाँ ग्रिड पे प्लेस कर रहा हूँ। मैं इस इमेज प्लेन को हाइड कर रहा हूँ और इसे यहाँ ग्रिड के ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। एंड एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं, सेम आप यहाँ क्रिएट में आके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर सकते हो। एंड इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा पंप का मॉडल है, वाटर पंप का, वो रेडी है। कुछ बेसिक टूल्स यूज करके हमने इसे मॉडल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को।